नमस्कार, मैं संदीप बिश्नोई एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं आज आपके लिए, ये एक रिपर का वीडियो है जिससे हमें सरसों के खेत में खड़े हैं और सरसों की इसकी कटाई होते हुए देखेंगे कि किस तरह से अपने ट्रैक्टर से कटाई करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि ये रिपर कितने रुपये की आती है, किस किस चीज़ की कटाई कर लेती है ये, और पर बीघे की या एकड़ की ये क्या डीजल एवरेज देती है। तो ये हमारे साथी किसान हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, सर आप पहले तो मुझे बता दो भाई ये रिपर कितने रुपये की है। ये रिपर है जी 40,000 रुपये की। 40,000 रुपये की, कहाँ से बनवाई है आपने ये? ये जी बनाई है हम तो जी, क्या नाम है, मानसा मंडी से जी। मतलब मानसा मंडी की यहाँ फेमस है, इसलिए मैंने आपको पूछा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 40,000 रुपये में तीन पट्टे की है, तीन पट्टे वाली है ये? हाँ, तीन पट्टे वाली। ये क्या क्या चीज़ें काट देती है ये जी? एक तो सरसों मानो, ठीक है, एक कणक मानो जी, ठीक है, ये दो ही फसल काटती वैसे जी, बाकी ज्वार जई ये तो काटती, वो तो धक्का ही काट लेता है जी। काट लेता है मतलब? हाँ जी, हाँ जी। तो ये 40,000 रुपये की आती है, इसमें कोई सस्ती महंगी और भी आती है? नहीं जी, और नहीं आती। बड़ी है मतलब ये? बड़ी है जी। तो ट्रैक्टर क्या एवरेज देता है इसका? ट्रैक्टर जी बीघे का देता है जी ढाई तीन लीटर। एक बीघे में 2.5-3 लीटर तेल खा जाता है? हाँ जी। और एक बीघे को काटने में टाइम कितना लगता है? बेटा बेटा एक घंटा लग जाता है। एक घंटा लग जाता है मतलब नॉर्मल। और गेहूँ का अगर काटना हो तो? गेहूँ का भी जी मानो 1.5 घंटा, मानो गेहूँ में 1.5 घंटा। हाँ जी, 1.5 घंटे में 1 एकड़ निकल जाएगा मतलब? निकल जाएगा। और गेहूँ जमीन से कितनी ऊपर काटेगी ये जी? कम से कम 2 आंगल ऊंचे चलेगी। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य 1.5 इंच ऊपर? 1.5। यानी कि साधारण जो आदमी काटता है उसी साइज से काटेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये बढ़िया कामयाब चीज़ है किसानों, अगर किसान अगर इसके लिए इसे खरीदे तो? हाँ जी, बढ़िया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बढ़िया। तो ये आप सरसों काट रहे हो, ये झड़ नहीं रही है अभी इसे? अब तो ये तो ज़्यादा सूखी है थोड़ी सी, वैसे तो नहीं झड़ रही, वैसे ज़्यादा सूखी होने पर झड़ने के चांस है। हाँ जी, अगर इसको थोड़ी गीली को काटें तो 1% भी नहीं झड़ेगी? हाँ जी, उधर चल रहा है ना, गीली में चल रहा है। अच्छा, 1% ही नहीं झड़ रही? 1% भी नहीं झड़ रही। हाँ जी। तो अगर मतलब ये किसान सरसों को काटे तो फिर ये काट के फिर इकट्ठी करें? हाँ जी। अभी इसको इकट्ठी करोगे? हाँ जी, इकट्ठी। फिर इकट्ठी इसे किसी हाथों से करोगे? हाथों से ही, बिल्कुल ईजी हो जाएगी जमा जी। तो मैं आपको ये थोड़ा चला के भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से काटेगा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचते हुए। यहाँ 2-3 ट्रैक्टर चल रहे हैं, यानी कि यहाँ 2-3 किसान, जो भी किसान है अमूमन है उन सभी के पास ये ऐसा सिस्टम है, वो गेहूँ सरसों जो जई जो भी अपनी फसल होती है इसी से काटते हैं। तो पहले तो ये है ट्रैक्टर, एक सिलेंडर 242। हाँ जी, एक सिलेंडर 242 ट्रैक्टर है आइसर का, जो सबसे छोटा 24 हॉर्स पावर है उस पर ये लगवा रखी है इन्होंने। और अभी इसको हम चला के दिखाएंगे आपको, और उसके बाद मैं आपको दूसरे ट्रैक्टर पे जो चल रही है इनके पास वाले पड़ोसी में, वो भी आपको मैं चला के दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट कर आप शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरे किसानों को भी सूचना मिल सके।